बड़े किस्मत वाले वे लोग होते हैं, बड़े किस्मत वाले वे लोग होते हैं जिनके पास समय के साथ समझ होती है। चूंकि कहा जाता है समझ कब आती है, जब समय हाथ से निकल जाता है तब आती है, तो कहा जाता है कि अपस्ताय क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। दोस्तों समय रहते हुए समझ आ जाती है और आप सही डायरेक्शन को अपनाकर ताबड़तोड़ मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो समझे कि एक ना एक दिन जरूर आप सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्वविष्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों आज क्लास में ट्रायंगल लेकर आए हैं और ट्रायंगल में बहुत सारे प्रश्नों को चयन कर लेकर आए हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस है, सबका भुवन फोड़ेंगे आपके सामने। चलिए सबसे पहले कंसेप्ट बताएंगे, क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में बना रहेगा तो इन सारे क्वेश्चंस को इलाज करने में मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। सर क्या कंसेप्ट है? देखिए कंसेप्ट बहुत तगड़ा है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कहेंगे सर समकोण त्रिभुज की क्या पहचान है? तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जी, और यहाँ पे देखिए ए बी सी, और जो कोण बी है ये 90 डिग्री का है, मतलब समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया। और इसमें कुछ खेला हम खेलेंगे, आराम से समझिएगा। यहाँ पे देखिए जो बी डी भुजा की लंबाई है, जो बी डी है किस पर लंब है बताइए, बी डी किस पर लंब है? ए सी पर लंब है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में इनके बीच कुछ हम रिलेशन को आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बी डी का स्क्वायर होता है दोस्तों ये किसके बराबर होता है? तो ए डी की लंबाई और सी डी की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब बी डी का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए डी गुने सी डी। क्या लिख सकते हैं? ए डी गुने सी डी। यहाँ पे दो नंबर जानेंगे मेरे भाई, अगर बी सी का स्क्वायर चाहिए, बी सी का स्क्वायर चाहिए तो दोस्तों बी सी के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इस भुजा की लंबाई में इस बड़े भुजा की लंबाई से गुना कर देंगे तो क्या होगा, सी डी आगुने क्या होगा जी, सी ए। तीन नंबर समझिए, अगर हमें ए बी स्क्वायर लिखनी है, ए बी स्क्वायर लिखनी है, हमें इस भुजा की लंबाई निकालनी है तो ये छोटे भुजा की लंबाई में से बड़े भुजा की लंबाई में गुना कर देंगे तो क्या होगा, ए डी आगुने ए सी का स्क्वायर। और यहाँ पे चार नंबर समझिए, अगर हमें ए बी गुने बी सी चाहिए, ए बी गुने बी सी चाहिए तो दोस्तों ए सी आगुने बी डी के बराबर हो जाएगा, ए सी गुने बी डी के बराबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी बताए हैं ये पूरा का पूरा महंगा कॉन्सेप्ट है, अगर ये बात आपके खोपड़ी में जाकर जगह बना लेगा तो समझ जाइए ये क्वेश्चन आप अपने से देखी कर, सिर्फ देख कर बिना कलम उठाए आप बना सकते हैं। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं, ये जो बी डी स्क्वायर होगा ए डी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में गुना के बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर। फिर बी सी स्क्वायर के लिए क्या किए हैं, बी सी स्क्वायर निकालनी है तो पहले छोटा भुजा की लंबाई में हम बड़े भुजा की लंबाई से मल्टीप्लीकेशन कर दिए हैं। ए बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या किए, छोटी भुजा में बड़ी भुजा से हम गुना कर दिए हैं। और दोस्तों हमें यहाँ पे आगे जो बताए हैं कि ए बी गुने बी सी किसके बराबर होगा तो ए सी गुने बी डी के बराबर होगा। ये बात आप अपने दिमाग में पूरी तरीके से सेट कर लीजिए और इसको घुमाते रहिए, एकदम दौड़ाते रहिए दिमाग में, तब तक दोहराइए जब तक आपको पूरी तरीके से याद नहीं हो जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार है हमसे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए बेकरार है, तो इसकी बेचैनी को खत्म करते हैं सॉल्व करके। चलिए यहां से इसको हटाते हैं, देखते रहिए, आराम से देखिएगा, आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा रे बाबा। देखिए यहां पर देखिए कितना खतरनाक, कितना मासूम क्वेश्चन, खतरनाक तो है लेकिन बहुत मासूम क्वेश्चन है क्योंकि इसके लिए कंसेप्ट पता है हमारे पास। बताइए पहले क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे मेरे भाई, हमें बी डी की लंबाई पूछा है और ए डी और सी डी की लंबाई दिया है, अभी ना बताएं। तो देखिए जो बी डी स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा बताइए, इस भुजा की लंबाई से इस भुजा की लंबाई में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे उसके बराबर में बी डी स्क्वायर होगा, तो क्या करेंगे ए डी गुने सी डी। तो मेरे भाई बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD की लंबाई कितना है 4 आगुने CD की लंबाई कितना है 5, तो यहां पे BD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी,
20 हो जाएगा। इसलिए अगर हम खाली बीडी निकाले, हमें तो बीडी की लंबाई निकालना है, तो स्क्वायर इधर रूट 20, और जो 20 का वर्गमूल होता है 2√5 होता है, तो ये सेंटीमीटर में दे देंगे चूंकि सेंटीमीटर में दिया है, तो इसकी लंबाई निकल गया, डी कितना होगा 2√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मुझे लगता है कि दोस्तों आपके दिमाग में ये जाकर सेट कर गया होगा। आइए इससे भी रंगीन रंगीन क्वेश्चन सामने पड़ा है, इस पर भी ध्यान देते हैं, ये भी तैयार है बनने के लिए, तो फिर हमें बनाने में क्या दिक्कत है, खुशी से इसको बनाएंगे। आइए यहां पे अब बनाएंगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चंस। आइए देखिए, ये भी बेचारा एकदम तैयार है, एकदम तैयार है बनने के लिए। मेरे भाई इस क्वेश्चंस को देखिए हम कैसे बना रहे हैं, समझना एकदम जरूरी है। और यहां पे यार इसकी देखिए लुक बड़ी खतरनाक है, इसकी लुक बहुत खतरनाक है। तो आइए इसको बना रहे हैं, आपसे क्या पूछा है इस चीज को पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहां पे आपको AB की लंबाई दिया है, ठीक है, आप BC की लंबाई दिया है, फिर आपको यहां पे AC की लंबाई दे रखा है, तो आपसे BD की लंबाई पूछा है। अरे भैया अभी ना बता रहे थे कि AB गुने BC ये किसके बराबर होगा, तो कहेंगे सर AC गुने BD के बराबर होगा, AC गुने BD के बराबर होगा, यही ना बताए, तो आराम से रख दीजिए डेटा को। तो AB की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 आगुने, BC की लंबाई कितना है 6 आ बराबर, AC की लंबाई कितना है 12 आगुने BD की, तो लंबाई निकालना ही है। आइए यहां पर देखिए 24 हो जाएगा, अब बराबर 12 गुने क्या हो जाएगा BD, क्या आप काट सकते हैं, तब 12 कम 12 दुना के 24, इसलिए जो BD की लंबाई होगा मेरे भाई वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसकी जो लंबाई होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा 2 सेंटीमीटर होगा। आइए 3 नंबर बनाते हैं, देखिए 3 नंबर क्या कहता है, इसकी क्या परेशानी है, इसकी क्या परेशानी है, उसके अनुसार हम दवा लिखेंगे। मेरे भाई यहां पर देखिएगा कुछ ऐसा दिया है, ये देखिए बीसी डीसीडी सीडी सीडी की लंबाई दिया है, ओवरऑल एसी की लंबाई दिया है, और आपसे बीसी की लंबाई पूछा है। अरे भाई क्या मतलब ऐसा कर दिया, बीसी का स्क्वायर बराबर आपको बताया क्या लिख सकते हैं, सीडी गुने छोटी भुजा की लंबाई गुने बड़ी भुजा की लंबाई, यहां पे एसी कर लेंगे, तो यहां पर बीसी स्क्वायर बराबर सीडी, तो सीडी की लंबाई कितना है 4 आगुने, यहां पे 9 कर लेते हैं मेरे भाई, ये 9 सेंटीमीटर कर लेते हैं, और यहां पे एसी की लंबाई कितना है 9, तो यहां पे देखिए इसलिए बीसी बराबर स्क्वायर इधर रूट चला जाएगा, तो 4 गुने 9, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 3 दुना का कितना होगा 6, और मात्रा क्या होगा सेंटीमीटर, चूंकि सेंटीमीटर में दिया है तो बीसी की लंबाई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये भी बात आपके दिमाग में जाकर सेट कर गया होगा। आइए अब इधर देखिए एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, इतना खतरनाक है कि आपसे लड़ना ही चालू कर देगा, लेकिन आप इससे कम थोड़ी ना है, आप इसका नक्शा बिगाड़ सकते हैं। तो आइए यहां से इसको हटाते हैं, देखते रहिए। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, देखिए फितूर किसका चढ़नी चाहिए, पढ़ाई का। देखिए पढ़ाई भी एक नशा है जो सबको नहीं लगता है, पढ़ाई की नशा जिसको हो जाए उसका जीवन आगे एकदम रंगीन होने वाला होता है, रंगीन होता है, उज्जवल होता है, उसको इज्जत मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसलिए पढ़ाई करने की अगर आदत नहीं है, नाशा नहीं तो लगाइए। देखिए यहां पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहेंगे सर ये तो बड़ी तकलीफ वाला क्वेश्चन दिया है, इतना खतरनाक है। देखिए कोण DAC बराबर थीटा दिया है, और यहां पे कोण ADB 2 थीटा है, मतलब इस कोण का दुगुना है, और ये पूरा जो एंगल है वो 70 डिग्री है, ए वाला जो एंगल बी वाला जो एंगल है 56 डिग्री है, तो आपसे कोण एडीसी मतलब एडीसी मतलब एक क्वेश्चन एक एंगल पूछा है, अभी ए एंगल हमें पता नहीं है लेकिन हमें पूछा है ए एंगल कैसे निकालेंगे रे मेरे भाई, क्या इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, एक काम करते हैं। देखिए अगर इसको भूल कर आप यहां पर एक बड़ा ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, एक बड़ा ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए जिसमें ए कोण आपको पूरा पता है कि 70 डिग्री है और ए भी कोण पता है कि 56 डिग्री है, तो ए तो कोण हम निकाल सकते हैं ना जी, निकाल सकते हैं,
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा जी 180 डिग्री। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल, कमेंट्स में बताइएगा। कोण ए कितना है जी 70 आप प्लस ए 56 आप प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मेरे भाई 6 और यहाँ पे कितना है 7 5 12 प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए कोण सी बराबर कितना होगा 180 माइनस 126, घटा लेंगे तो कितना होगा मेरे भाई 4 और यहाँ पे 5 54 डिग्री हो जाएगा। एक कितना डिग्री हो जाएगा 54 डिग्री। अब एक मेरी बात, मेरे भाई एक एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमें एक कोण चाहिए, देखिए अभी काम करते हैं, इसको काटते हैं और यहाँ पे सटते हैं, समझिएगा। और यहाँ पे देखिएगा ए वाला जो कोण है थीटा है, ए वाला कोण 2 थीटा है, ए वाला कोण निकालनी है और यहाँ पे कितना है जी 54 डिग्री है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है डी और यहाँ पे दिया है सी। देखिए ये जो त्रिभुज है इसकी एक भुजा सी डी को बढ़ाई गई है, तो दोस्तों ये बहिष्कोण होता है। आज जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज के दो अंतकोण के योग के बराबर होता है, तो त्रिभुज के दो अंतकोण क्या है थीटा प्लस 54 डिग्री। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए 2 थीटा ये प्लस है, माइनस थीटा बराबर कितना 54 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा जी 54 डिग्री हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अब ए एंगल कितना हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 54 डिग्री। और यहाँ पे 2 थीटा है तो 54 का दुगुना कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। अब मेरी बात को समझिएगा कि जैसे यहाँ पे देखिएगा ए वाला एंगल आपका कितना है जी 108 डिग्री है, समझिएगा मेरी बात को 108 डिग्री है। अब देखिए इस पे जो कोण बनता है ना, एक लाइन पे जो कोण बनता है, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो जब ए वाला एंगल 108 डिग्री है तो ए वाला एंगल कितना होगा टोटल दोनों एंगल को मिलाकर 180 होगा। ए को ए एंगल 108 तो ए एंगल कितना हो जाएगा, इतना भर एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे 108 में 72 जोड़ेंगे 180 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ए एंगल मेरे भाई कितना हो जाएगा जी, ए एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 डिग्री हो जाएगा। मुझे लगता है कि दोस्तों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए इसके लिए एकदम थ्योरी पता होनी चाहिए, जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर इसको बना सकते हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते रहिए। अभी हमने 4 नंबर क्वेश्चंस का एकदम ऑपरेशन किए, एकदम नॉर्मल ऑपरेशन किए, कोई परेशानी नहीं हुआ। आइए 5 नंबर क्वेश्चंस का ऑपरेशन करते हैं, देखिए इसमें क्या होने वाला है। अब यहाँ पर समझिएगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिएगा जो ए डी है वो सम द्विभाजक है और यहाँ पे जो ई है मतलब जो ए है बी सी पर लंब है। देखिए ए बी सी पर लंब है और कोण ए सम द्विभाजक है ए डी का। तो हमसे क्या पूछा कि कोण ए सी बी, मतलब हमें ए वाला कोण निकालनी है। मेरे भाई एक बात समझिएगा, ए जो कोण होता है ना, यहाँ पे जो कोण होता है, अगर इस कोण को हम थीटा बोल दें तो मेरे भाई ये फॉर्मूला होता है थीटा बराबर इन दोनों कोणों का अंतर में हम 2 से भाग दे देंगे, तो कोण बी माइनस कोण सी अब बटा 2 कर लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए हमें तो कोण सी निकालनी है, कोण ए सी बी मतलब बीच में सी, हमें कोण सी निकालनी है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए थीटा बराबर कितना दे रखा है 24 डिग्री अब बराबर कोण बी मतलब 78 अब माइनस कोण सी अब बटा कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे बटा 1 रख लेंगे और क्रॉस गुना कर लेंगे तो कितना होगा 48 अब बराबर 78 माइनस कौन सी, तो इधर आ जाएगा कौन सी बराबर 78 प्लस इधर माइनस 48 हो जाएगा 24 2 48 ठीक है। तो कौन सी बराबर कितना होगा 0 30 डिग्री हो जाएगा। मेरे भाई इसका आंसर क्या मिलने वाला है 30 डिग्री, मतलब हमें सामने इसको क्या लिखना होगा कि ये 30 डिग्री होगा। मुझे लगता है दोस्तों बातें समझ में आ रही होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सुंदर, कोई भी इसकी सुंदरता के आगे फेल कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस कोण बी बराबर 30 डिग्री इक्वेशन में दिया है, नीचे दिया है कोण बी माइनस कोण सी बराबर 20 डिग्री, तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का योग निकाले। ऐसा क्या कर दिया है कि आप बेचैन हो गए हैं? देखिएगा इसका इलाज करते हैं। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है भाई मेरे, बताइए बताइए जोर से चिल्लाइए 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा अगर यहां से कोण ए निकाले तो 30 डिग्री ए माइनस उधर चला जाएगा प्लस, तो 30 प्लस क्या होगा 30 डिग्री प्लस क्या होगा कोण बी। अरे कोण ए निकालिएगा, यहां पे कोण ए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा,
माइनस बी को कोण माइनस बी को उधर प्लस में ले जाना होगा, तो क्या होगा 30 प्लस कोण बी, और यहाँ पे इसको कोण बी रख दे देते हैं प्लस, कोण यहाँ से सी निकाले मेरे भाई, तो ए आकर तो इधर कटेगा, मतलब क्या होगा कोण बी माइनस बीस हो जाएगा, ए कोण सी के बराबर, अब बराबर कितना है 180 डिग्री। आप यहाँ से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे 30 में से 20 निकाल देंगे 10 डिग्री हो जाएगा, आ प्लस यहाँ पे कोण थ्री कोण बी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, अब देखिए यहाँ पे थ्री कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, अभी प्लस है माइनस कितना होगा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 170 डिग्री हो जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 170 डिग्री अब बटा तीन हो जाएगा, कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे देखिए हम कोण को तो बटा में नहीं रखते हैं, डिग्री में दिया है तो मिनट में भी ले जाते हैं, और मिनट से सल्व नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से कटाते तो सेकेंड में ले जाते हैं। तो ये काम करते हैं, हमें कुछ ऐसे भी यहाँ पे नंबर को डालने चाहिए जो यहाँ पे एग्जिट कट जाए, लेकिन बनाने का तौर तरीका क्या होगा यही होगा, जैसे यहाँ पे कोई कट जाएगा तो यहाँ पे बी निकल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे इसमें अगर पुट कर देंगे तो ए निकल जाएगा, फिर हम इसकी सहायता से यहाँ पे बी पुट करते तो सी निकल जाएगा, और उसमें देखना होगा कि सबसे बड़ा कौन कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, और दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से भी बहुत पेचीदा बन जाएगा, इसलिए आपको हमने समझा दिए, ठीक है। आपको पेपर में यहाँ पे वही एंगल दिया रहेगा कि आप जब भी क्वेश्चन निकालेंगे तो ए का पूरी तरीके से कटा हुआ मिलेगा, एंगल बी पूरी तरीके से आपको मिलेगा, जैसे होता है ना 60 डिग्री 90 डिग्री इस टाइप से, या 15 डिग्री 20 डिग्री आपको बट्टा में देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझा दिए, यहाँ से आगे बताएंगे तो फिर हमें लेकर जाना पड़ेगा, मिनट में लेकर जाना पड़ेगा, सेकंड में लेकर जाना पड़ेगा, फिर ऐसे बहुत पेचीदा होगा, और इतना पेचीदा आपको देता नहीं है, और उस टाइप से ना क्वेश्चन आपको कभी पेपर में देगा, लेकिन लॉजिकली केस टाइप से क्वेश्चन आता है, इस पर उन सारी चीज़ों को समझा दिए। आइए आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर भाई, ये देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए एक त्रिभुज है और यहाँ पे आप एडी देख रहे हो जो बीसी पर लंब है, और मेरे भाई एक बात बताइए, पूछा है कि एरिया त्रिभुज ईसीडी तो ईसीडी तो एक त्रिभुजीय बन गया और एरिया त्रिभुज ईएबी, एरिया त्रिभुज ई ए बी एक ए ट्रेंगल हो गया, तो इसका एरिया, इसका ए वाला नीचे वाला पार्ट और इसका रेशियो पूछा कि बताइए कितना होगा, इसकी एरिया का रेशियो कितना होगा। मेरे भाई बनाना बहुत आसान है, इससे इसमें गुना कर देंगे तो तृतीय का 9, ए पार्ट का जो एरिया हो जाएगा 9 होगा, और इससे इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, फिर इसे इसमें गुना कर देंगे तो कितना होगा 34 हो जाएगा इसका एरिया, और इसे इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से बताया। अब आपसे क्या पूछा है कि एरिया त्रिभुज ईसीडी बटा एरिया त्रिभुज ईएबी बराबर, अब बताइए एरिया त्रिभुज ईसीडी कितना है जी 12 है, और यहाँ पे एरिया त्रिभुज ईएबी कितना है 6 है, तो 6 एकम 6, 6 दुना के 12, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया त्रिभुज ईसीडी रेशियो एरिया त्रिभुज ईएबी बराबर क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्या है बन गया दोस्तों, इतना खतरनाक क्वेश्चन आप बना लिए। तो चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते रहिए। ये देखिए आगे जो क्वेश्चन है ना 8 नंबर, एकदम मतलब दिल को बहला लेने वाला क्वेश्चन है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेने वाला क्वेश्चन है। मेरे भाई बताइए यहाँ पे इसको थोड़ा नजर लगा कर डाल कर देखिएगा, हमें दरअसल यहाँ पे x के मान निकालना है भाई। एक यहाँ पे ट्रेंगल है ना जी, देखिए तो एक ट्रेंगल है ना, सच में बोल रहा हूँ ना, चश्मा लगा कर देखिए अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। मेरे भाई यहाँ पे देखिए लंब है, मतलब ये 90 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री, तो मैं बताओ सीधे कितना डिग्री का एंगल होगा, बताइए कितना डिग्री का एंगल होगा। कहीं सर त्रिभुज के तीनों कोणों का युगफल 180 डिग्री और ये दो कोण 150 बना दे रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रहे हैं?
और यहाँ पे देखिएगा, अगर इस ट्रायंगल को आप देखते हैं, इस पे नज़र डालिए, इस ट्रायंगल को आप देखते हैं तो मेरे भाई इस ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल को, तो यहाँ पे इस त्रिभुज का एक यहाँ पे कोण 30 डिग्री है और ये यहाँ पे कोण क्या है 46 डिग्री है, और इस त्रिभुज का यहाँ पे देखिए इस साइड एक भुजा बढ़ाया गया है जो x डिग्री है। तो दोस्तों ये बहिष्कोण होगा, और जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज के दो अंतःकोण योग के बराबर होता है, मतलब जो x डिग्री आएगा, जो x आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे वही आंसर होगा। तो 46 में हमें किसको जोड़ देना होगा, 30 को जोड़ देना होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 7 कितना होगा, 7, मतलब 76 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 76 डिग्री का कोण बनेगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिए 9 नंबर क्वेश्चंस बना रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे देखिए एकदम थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ए भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ए वाला कोण ए वाला कोण के बराबर होगा, तो इस कोण को एक्स मान लें, इस कोण को एक्स मान लें, तो पहले निकाल लेंगे कि ये दोनों कोण कितना होगा, और ओवरऑल ये देखिए ओवरऑल कोण कितना है 132 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 132 प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा जी 2x, अब बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 2x बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ये प्लस है माइनस 132, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पे 8 बन जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसलिए अगर एक एक्स की वैल्यू निकाल दूँ तो कितना होगा 24, मतलब दोस्तों यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो 24 डिग्री का होगा, और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा ना वो 24 डिग्री का होगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया, अभी बना नहीं है, सबसे पहले थीटा निकालते हैं यहाँ से। देखिए इस ट्रायंगल में सबसे पहले थीटा निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकाले जी थीटा निकालते हैं। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो थीटा प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 24 बराबर कितना 180। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस इसको जोड़ देंगे तो 4 और 9 2 कितना होगा 11, मतलब 114, अब बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे 2 थीटा बराबर कितना होगा 180, ये प्लस है माइनस 114। पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 थीटा बराबर घटा देंगे तो कितना होगा 6, कितना होगा 6, यहाँ एक कम हो जाएगा तो एक कम होगा तो 7, 7 में से एक जाएगा तो 6, यही होगा 66 होगा, 6 × 4 = 10 के 0 हार से लेक यानी एक मिनट, यहाँ पे 180 में 114 घटा लेंगे तो यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7, 7 में से एक जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना होगा 66 हो जाएगा, कितना होगा मेरे भाई 66 होगा, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा 33 डिग्री। अब एक बात बताइएगा, थोड़ा समझिएगा, आराम से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए थीटा के मान यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, तो अगर ए कोण को देखा जाएगा, ए वाला कोण को देखा जाएगा, ए वाला कोण को, तो ये 90 प्लस कितना 33, तो जोड़ देंगे तो 3 और 9 × 3 कितना होगा 12, 9 × 3 = 12, मतलब ए कोण कितना हो जाएगा 100, ए वाला जो कोण होगा ए कोण कितना बन जाएगा 123 डिग्री का कोण बन जाएगा, कितना होगा 123 डिग्री का कोण बन जाएगा, और आपको पता है कि ओवरऑल कितना हो जाएगा 180 होता है, तो यही तो कोण पूछा है। तो ये कोण निकालने के लिए 180 में हमें क्या करना होगा, 123 को घटा देना होगा, तो 7 हो जाएगा, हार से लेंगे 10 में से 3 निकालेंगे 7, यहाँ पर एक कम होगा 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई ए वाला जो कोण होगा ये कितना होगा 57 डिग्री कोण हो जाएगा, कितना होगा 57 डिग्री। मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। देखिए यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे ये जो आप साइड देख रहे हो, ये जो भुजा आप देख रहे हो, ये दोनों बराबर है और ए भी दोनों कोण बराबर है, तो ए इसके बराबर हो जाएगा और ए इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 1 बराबर कितना होगा 34, तो बताइए 3x बराबर कितना मिलेगा 33, तो 3x का वैल्यू 33, तो 1x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए y प्लस 1 बराबर कितना होगा 9, तो y बराबर कितना होगा 8, आपसे क्या पूछ रखा था x प्लस वाई, तो x के मान कितना 11 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 19, बन गया x प्लस वाई का मान 19 होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए